अरे क्या बात है। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। किस पर बिजली गिराओगी? बिजली का तो पता नहीं जनाब, कहीं भी गिर सकती है। अरे वाह, आपके इरादे तो नेक हैं। अरे जनाब, हमारे इरादे तो हमेशा ही नेक रहते हैं। वो तो मैं जानता ही हूं। अपने दिल का राज खोल तो दो ताकि मैं भी सावधान हो जाऊं। आप डरो मत, मैं ऐसा वैसा कदम नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से आपको सावधान होना पड़े। अरे डार्लिंग, मैं तो डर ही गया था। ये देखो, मेरा दिल भी कितना फड़फड़ाने लगा। ये भी बाहर निकलने की तैयारी में था। अपने दिल को संभाल कर रखो, आज ये बिजली तुम पर ही गिरेगी। अरे क्या हुआ राधा? राधा राधा राधा, अरे यार ये क्या हो गया? अचानक से ये क्या हो गया इसको? गुरुजी, कल अचानक से पता नहीं क्या हो गया, चक्कर आया और गिर गई। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है इसके साथ। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो ये खतरे में आ सकती है। इसका समाधान तो गुरुजी आपने ही करना है, नहीं तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक वो ऊपर वाला खुश है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर हमारा आशीर्वाद भी तो तुम्हारे साथ होगा। फिर गुरुजी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए तो हमने ही कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, वो भी चंद्र ग्रहण के समय पर। चंद्र ग्रहण के समय रात को? फिर गुरुजी हमने क्या करना पड़ेगा? तुमने कुछ नहीं करना बच्चा, वो तो समय और लगन के हिसाब से मुहूर्त बना के हमने ही कुछ करना है। आपने तो सामान और खर्च उठाना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन गुरुजी, आपकी सेवा कितनी होगी? मेरी सेवा तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर देना, लेकिन आपको सामान का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। क्यों बच्चा, ठीक है ना? जी गुरुजी। फिर देरी किस बात की, कर दीजिए सेवा, हम तो अभी से काम शुरू कर देंगे। क्यों, ठीक ही ना? लियो जी। बच्चा, हमारे यहां वो काम नहीं है। अक अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर ले और टके सर खा जा। लेकिन हम जिसका खाते हैं उसका करते हैं। क्यों, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। गुरुजी, आप वो भी रात को? हाँ, यही है वो समय चंद्र ग्रहण का, जो ग्रहण तुम्हारे घर में लगा है हम उसे मिटा देंगे। क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के समय ही जो बुरी आत्माएं होती हैं, इन बुरी आत्माओं का खात्मा किया जाता है। खात्मा? गुरुजी, ये समय कुछ कहने सुनने का नहीं है। अगर ये मुहूर्त निकल गया तो 10 साल के बाद भी नहीं आएगा। ये पकड़ो पर्ची और जल्दी से सामान लेकर आओ, ठीक है गुरुजी। क्योंकि इस मुहूर्त का मैं चाहता हूं इसका पूरा फायदा उठाएं। जाइए, रसोई का कुछ सामान लेकर आइए। ठीक है गुरुजी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडा विचनमे।
ओम हरिं क्रीं चामुंडा विचन में, 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 लीजिए बच्चा गंगा जल से हैंड वॉश कीजिए। अब इसका आचरण कीजिए। ले भाई सही छापा लाए क्या? ईव लूट ली चाल सब क्या इन्हें? हैं? बाबा इसको क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चा, बस होने ही वाला था। ये तो आपने आकर विदन डाल दिया। क्या मतलब? मतलब आपने गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए था। इसकी आत्मा जो बुरी आत्माओं के साथ लड़ रही थी वो भी बाहर निकल गई। अच्छा बाबा जी, तो मैं क्या करूं, बाहर लट लेके बैठ जाऊं? अरे गेट को तो खाली छोड़ दो, वरना आत्मा अंदर नहीं घुसेगी। आत्मा वात्मा ने छोड़ और जल्दी से ठीक कर दे, वरना तन्न जानी या फिर मन ने। अरे तुम रास्ता छोड़कर यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो सारा काम है ना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बैठो यहाँ। राधा। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना देसी कलाकार सोनपाल कश्यप, और मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच के रहना, क्योंकि जो वेब सीरीज में हमने दिखाया है ये एक सच्चाई घटना दिखाई है। तो प्लीज दोस्तों, ये वेब सीरीज अगर हमारी अच्छी लगे आपको तो इसको देखना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हरियाणवी, जय हरियाणा।